हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर सतना के बस स्टैंड से अब है, जहां श्रीराम फाइनेंस के दफ्तर माही आगी लग गई। ये आगजनी से फाइनेंस कंपनी के लगभग 2 करोड़ रुपया के नुकसान भा। बतावा गा के शॉर्ट सर्किट होए के कारण यह आगी लग गए और देखते देखत सलगा ऑफिस में आगी पहुंच गए, जहां कार्यालय के सलगे कागज फर्नीचर और कंप्यूटर जल के राख हुई के हवा। मौका में पहुंच के दमकल कर्मी आग बुझाई। ये आगजनी माही केहू के हताहत हुए के खबर नहीं आए। अब सलगे मामला के जांच की जा रही है। रीवा जिला के चोराटा थाना क्षेत्र में ही किशोरी और उनकर मौसी के संगे गैंगरेप कीनगा। बतावा गा के घटना का आधा दर्जन से अधिक युवक अंजाम दिहिन और जान से मारे के धमकी दे के फरार हुई गई। पीड़िता के शिकायत में ही पुलिस अज्ञात आरोपी के ऊपर मामला दर्ज करके उनकर खोज शुरू कर दी है। परसों रात की बात रही है, बच्चियाँ थीं, एक उसमें बालिग है और एक नाबालिग बच्ची है। वो मेले गई थी अपने रिश्तेदार, एक मामा लगता है उनका और एक भाई लगता है रिश्ते का। उन लोगों के साथ में मेले से जब वापस आ रही थी रात में करीब 8 बजे के आसपास बताया गया, तो साथ में मेले में उनके पड़ोस के ही गांव के कुछ लड़के थे जिन्होंने उनका पीछा किया और उन बच्चियों को रास्ते में रोककर उनके साथ इस तरह की हरकत की, जिसकी रिपोर्ट पर से पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। करीब अभी तक 6-7 लोगों को अभिरक्षा में लिया हुआ है। पुलिस पूछताछ भी कर रही है, मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी सतही जांच की जा रही है। इसमें कितने आरोपी बताए जा रहे हैं? बच्चों के द्वारा 5 आरोपी बताए गए थे, अज्ञात थे सभी, और अभी पुलिस के द्वारा 5 तो पकड़े ही गए हैं और उनसे पूछताछ करके आगे भी जो आरोपी बता रहे हैं उनके साथ जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने घटना कारित की है, कुछ ने घटना कारित नहीं की है। और आरोपियों में से एक युवती पक्ष की तरफ का उसका रिश्ते का भाई, मौसी का लड़का लगता है, वो भी था। रीवा के जिला पुलिस के आए दिना कौनो न कौनो नया बखेड़ा खड़ा हो जात हबे। रीवा के पनवार थाना के गांव बसड़वा के नीतीश कुशवाहा के ऊपर सांझ के उस समय हमला कीनगा और उनका घायल कर देगा, जबकि वो अपन बारी रुधत रहे। जहां डायल सौ वाहन पुलिस घायल नीतीश कुशवाहा का लेके पनवार थाना पहुंचे और आरोप हबे के वहां के मुंशी घायल और उनके परिवार के संगे गाली गलौच करी और रिपोर्ट में ही कुल्हाड़ी के बजाय लाठी से मारब लिख दिन। मुंशी के ऊपर यह आरोप हबे के उपीड़ित का कहीन के नेतागिरी करब है तो तुम्हारे घरे का बुलडोजर से गिरवा दे। खूब करते हो लेकिन और तेरा हम घर बुलडोजर से गिरवा देंगे तो हम बचन डराए गए तो फिर हो गया। रिपोर्टें गलत खड़ा सब लिख दी हैं कि जा सवेरे 10 बजे तो हमारे जब घर गिरा देते हैं तो हम बच्चे डराए गए कि अब कहाँ रहा था ना खा जाए तो फिर यहीं से सब काम डरान फिर रहे हैं कि कहाँ जाए कैसे गुहार लगाई कि हमका न्याय मिले। तो हम लोग बहुत चिंतावन, पूरा परिवार दुखी बैठे है। रीवा के वार्ड नंबर 33 के फोर्ट रोड रहने वाले मोहित अग्रवाल के 4-पहिया वाहन मारुति ईको के पार्ट्स चोरी होए के घटना सामने आई। बतावा जात हबे कि 14 अप्रैल का वाहन मालिक अपने वाहन का चालू करें तब वाहन में गड़बड़ी महसूस भय जिसके कारण मिस्त्री से जांच कराई, जहां वाहन के पार्ट चोरी होए के जानकारी मिली। मोहित अग्रवाल, क्या घटना हुई? हमारी गाड़ी है 4-पहिया वाहन जो कि हमारे घर के सामने खड़ी रहती है। कल जब हम उसको चालू किए तो कुछ आवाज़ में खड़ा थी कि आवाज़ आई, तो जब उसको मिस्त्री के पास लेकर के जाया गया तो पता चला कि चोरों के द्वारा जो है गाड़ी का साइलेंसर जो है चोरी कर लिया गया और साथ में उसके सेंसर भी निकाल लिए गए। मारुति ईको की जो गाड़ी है उसका जो साइलेंसर होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में प्लेटिनम मिला होता है, जिसके कारण विगत रात्रि जो है जब कैमरे की फुटेज की जाँच करी गई तो लगभग 2:48 के आसपास जो है कोई लड़का जो है सामान निकाल करके मच्छरदानी वाली गली की ओर अंदर जा चुका था। आपने रिपोर्ट की थाने में? थाने में हमने एप्लीकेशन दी थी लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं करी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 में सीधी रीवा सीमा माही बने वाली मोहनिया टनल के निर्माण के काम 2 महीना बाद जुलाई महीना में पूरा हो जाए। एक बाद यह सौगात लोकार्पण के माध्यम से जनता का मिली। टनल के निर्माण के काम पूरा हो चुका है, इस समय फिनिशिंग और CCTV कैमरा लगावे के साथ साथ छोट मोट काम चल रहे हम। ये टनल के शुरू हो जाए के बाद सीधी से रीवा की दूरी 7 किलोमीटर के कम हो जाये।
सीधी से बाहरी जाए वाली यात्री बस राष्ट्रीय राजमार्ग सीधी से ग्रौली मां पड़रिया मां अनियंत्रित हुई के पहाड़ी से टकराए गए। अपना बता दें कि ड्राइवर के समझदारी के कारण बस की स्पीड कम हो जाए से बड़ा हादसा टलेगा। बस में सवार सब यात्री सुरक्षित बताए जात हमा। यह हादसा गुरुवार का करीब 9:30 बजे के बतावा जात है, जहां प्रिंस बस यात्रीन कलई के सीधी से चली। जैसे वह बाहरी थाना के पड़रिया पहाड़ में चढ़े, तैसे गाड़ी के ब्रेक फेल होगा। अपने भाषणबाजी खातिर चर्चित रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के कलेक्टर का झापड़ मारे वाले बयान के बाद लोकतंत्र सेनानी और उस समय घटना के चश्मदीद मीसाबंदी अजय खरे विराट 24 से चर्चा कई के का कहीं अपनों सुनी। और जब कलेक्टर ने मना किया कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उन पर झूमा झपटी, मारपीट, उनका पेंट एंड खींचा, चड्डी दिखने लगी, ये स्थिति हुई थी उनके साथ। उस घटना हमको कभी भी आता है, कोई पूछता है, हमारे लिए वो बहुत अप्रिय घटना थी। और राजनीतिक बंदियों के बीच में जहाँ हम लोगों का नारा था कि हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा, जयप्रकाश जी का आंदोलन का, हम लोग इतना, हम लोगों के बीच में जो साथी लोग थे उन्होंने जो कुछ किया वो कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वो हमको दिमाग में हमेशा कोंता है। और वो तुलना आप वहाँ से करेंगे भगत सिंह के या किसी चीज़ की, तो वो गलत है, क्योंकि भगत सिंह वाले में तो लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था और एक संदेश उनको देना था, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं थी। आमतौर पर कलेक्टर कभी बैरकों में जाते नहीं हैं, और वो बाहर से ही जब वो उनका विजिट होता है पूरे जेल में लॉकअप हो जाता है, और कोई सामान बने रूप से ऐसा होता नहीं है, लेकिन कलेक्टर ने कहीं ना कहीं उन्होंने हिम्मत की, चलो मिलना है, कहीं हो सकता है हम लोगों के प्रति उनकी अच्छी भावना रही हो, तब जेल के अंदर आए थे। आज के बुलेटिन में इतने। बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।